नमस्कार, आप देख रहे हैं News 22 India और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झांसी सदर विधानसभा सीट के प्रत्याशी हाजी सैयद सादिक अली का जनसंपर्क अभियान जोरों से चल रहा है। आज इसी क्रम में नरिया बाजार, दरीगिरान, बिसात खाना, मुकरयाना, मंसूरी मस्जिद, इतवारीगंज, राइन मस्जिद, जाहिदा कॉलोनी, श्रिया मस्जिद, मेवातीपुरा आदि क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस मौके पर सैयद सादिक अली ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जन विरोधी कार्य करती चली आ रही है। उसने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी कार्य किए हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात हो या बेरोजगारों को नौकरी देने की। सरकार हर मामले में पूरी तरह से विफल रही है। विकास की अगर बात की जाए तो प्रदेश विकास के रास्ते से भटक चुका है। भाजपा कार्यकाल में प्रदेश में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा प्रदेश में सरकार बनाएगा। वंचित समाज और दलित वर्ग के लोगों पर हुए अत्याचारों का हिसाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लिया जाएगा। किसानों की शहादत का हिसाब भी भाजपा को देना होगा। जनता हर हाल में भाजपा सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव प्रेमवती कुशवाहा, जिला प्रभारी सबा खान, दयाराम कुशवाहा, कालीचरण कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, AIMIM जिलाध्यक्ष सैयद अतहर अली, जिला प्रभारी अलाउद्दीन कुरैशी, साजिद खान जिलाध्यक्ष, यूथ फुरकान, कामरान सिद्दीकी, नदीम रजा, सलमान खान, बोबी सिद्दीकी, शाहरुख खान, राशिद पठान, मोनू सोहेल अली, जुनेद अली, शाहरुख, नाजिम फुरकान, हितम कबीर, शिवम कल्लू खान, वसीम अली, अदनान साजिद खान, बाबू खान, बाबर भाई आदि मौजूद रहे। झांसी उत्तर प्रदेश से News 22 इंडिया के लिए शागिद खान की रिपोर्ट। आज कहां का जनसंपर्क किया आपने? आज हमने जो है नरिया बाजार से जनसंपर्क स्टार्ट किया और जो है दरीगरान होती है मेवातीपुरा, इतवारीगंज और हमारे शियों का मोहल्ला और हमारे राय समाज में जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में और यहाँ पर होते हुए अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? भाई हमारे यही की मुद्दा है, तो भाईचारा मुद्दा है, दूसरा जो है यहाँ पर सड़कों की स्थिति बहुत ख़राब है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, मोहल्ले के अंदर जो है पेयजल की पूरी व्यवस्थाएं नहीं है, मूलभूत बहुत सी ऐसी जो है सुविधाएं जो यहाँ पर नहीं मिलती हैं। यहाँ के लोग जो है दो दो तीन तीन बार जीत कर जो है पहुँच जाते हैं, मगर हमारी इन बस्तियों के अंदर जो है कोई भी कोई ना काम करता है, ना यहाँ 5 साल में झकने तक नहीं आता है। लोगों की शिकायतें बराबर लोग शिकायत कर रहे हैं और हमको अपार जनसंपर्क मिल रहा है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 22 India। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।